<laughs> Self realization मीन्स हिंदी में उसको कहा जाए साक्षात्कार आत्म, आत्म और साक्षात्कार का मतलब होता है किसी चीज को देखना किसी चीज से होना आमने सामने होना आ, आत्म साक्षात्कार मीन्स मैं जो हूं मैं कौन हूं मैं कैसा हूं मैं क्यों हूं इन सब सवालों के जवाब भीतर से प्राप्त करना यानी किसी और से नहीं कहीं दूसरे से नहीं आएगा क्योंकि दूसरा आपको बोल सकता है कि आप पुराने जन्म में कोई योगी हैं या ये बोल सकते हैं कि आप ये हैं आप वो है ये सब सवाल ये सब ये सब आंसर नहीं वो आंसर जिस आंसर तक आप पहुंच ही नहीं सकते कुछ ऐसा आंसर कुछ ऐसी चीजें जहां हर एक शब्द शांत हो जाए यह सही मायने में ये कहा जाए कि जितना भी आपके भीतर जो ज्ञान है वो एक अज्ञानता में परिवर्तित हो जाए अज्ञानता कैसी क्योंकि इंसान के अंदर जानने का कुछ जानने का ईगो आ जाता है कि मैं जो ये मैं ये जानता हूं मैं वो जानता हूं इस सब चीज से परे हो जाना यानी आप जानते तो सब कुछ है लेकिन आपके भीतर से वो जानने का एक एहसास भी खत्म हो जाना आपका ज्ञान, आपका नॉलेज आप आपका आपके भीतर जो भी बात है यानी मैं इतना बड़ा हूं मैं मैं ये जानता हूँ मेरे पास इतना कुछ है मैं ये कर सकता हूं मैं वो कर सकता हूँ हर एक मैं से ऊपर चले जाना यानी भीतर को देखना भीतर को प्राप्त कर लेना भीतर को जीत लेना और भीतर को जीतना कैसे है क्योंकि इंसान कई बार जब अहंकार करता है किसी चीज को लेकर के ईगो रखता है तो उसको पता नहीं होता कि वो अहंकार में जी रहा है अब अपनी शकल को देखना है तो शक्ल को देखने के लिए आईने की आवश्यकता पड़ती है तब तक हमें पता नहीं होता कि हम कैसे दिखते हैं क्योंकि इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं है कि बिना शीशे के हम अपना चेहरा देख सके आत्म तर कुछ ऐसा ही है कि जब आप में वो शक्ति प्राप्त हो जाए क्योंकि अब आप चलते जरूर हैं, आप जिंदगी में चल जरूर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आप सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं आप कहीं ना कहीं एक असमंजस स्थिति में रहते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है जिसको मंगी माइंड बोलते हैं ना कभी मंगी माइंड हो जाता है कभी अच्छा दिमाग हो जाता है कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है एक, एक तर्क पर रहना एक विचार पर रहना एक दिशा में रहना दूसरों से ध्यान हट जाए कौन क्या है कैसा है ध्यान रहे केवल अपने कदमों के ऊपर यानी आत्मचिंतन हो जाना कि कहीं मैं तो गलत नहीं हो गया इस चिंतन से हट जाना कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है उस, उस शब्द से परे हो जाना कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं जिंदगी में यह चीज इंपॉर्टेंट हो जाना ये आत्मचिंतन है ये आत्म साक्षात्कार है और आत्म साक्षात्कार होने के बाद आप दूसरों की भलाई के लिए तो जरूर सोचते हैं दूसरों के कल्याण के लिए जरूर सोचते हैं लेकिन खुद को कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं क्योंकि और बिना बिना खुद को प्राप्त किए बिना खुद को देखे खुद को भूल नहीं सकते आप जब वो स, सही मायने में आपकी भीतर की मृत्यु है आत्म साक्षात्कार आपके भीतर के अहंकार की एक चोट है अहंकार के ऊपर एक चोट है अहंकार को मिट जाना मैं कर सकता हूं मैं देख सकता हूं मैं जान सकता हूं इन हर एक चीज से परे हो जाना आत्म साक्षात्कार होता है आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार के बाद आपकी दृष्टि केवल आपके कदमों के ऊपर होती है कि आप कहीं गलत तो नहीं हो गए ये शब्द मिट जाना कि कौन मेरा मित्र है केवल ये चिंतन रहना कि मैं किसका मित्र हूं कौन मेरे लिए क्या करता है इस चीज से परे हो जाना मैं किसके लिए क्या करता हूं ये इंपॉर्टेंट हो जाना मैं कुछ हूं इससे मिट जाना सिर्फ एक चीज याद रहना मैं केवल शून्य हूं कि आत्मा साक्षात्कार है